दोस्तों, गौरी का पति किसी एक्सीडेंट में मर जाता है। अब पति के मरने के बाद गौरी अकेली हो जाती है। पति की याद उसको सताने लगती है। अब उसके शारीरिक सुख को पूरा करने वाला कोई नहीं होता है। गौरी के ही घर में उसका जेठ होता है। अब गौरी अपने जेठ के साथ नैन मटक्का करने लगती है, चक्कर चलाने लगती है और अपने ही जेठ के साथ वो अवैध संबंध भी बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इस अवैध संबंध का अंजाम इतना बुरा होता है कि जिसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है राजस्थान के भरतपुर की। वहीं का रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में सिर्फ दो भाई थे, उसके माता पिता कोई नहीं था इस दुनिया में। अब दोनों भाई में सबसे जो बड़ा भाई था, जिसका नाम था ओम प्रकाश, और जो छोटा भाई था उसका नाम था भोला। दोस्तों, जो ओम प्रकाश था, अपने भाई की देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए उसने शादी भी नहीं की थी। और ओम प्रकाश खेती बाड़ी का काम करके अपने भाई को पढ़ाता लिखाता है। अब जैसे जैसे भोला बड़ा होता है, उसकी शादी की उम्र होती है, वो एक ट्रक ड्राइवर बन जाता है, यानी कि वो ट्रक चलाने लगता है। अब जब उसकी कमाई अच्छी खासी होने लगती है, तो जो ओम प्रकाश होता है, अपने भाई के लिए एक लड़की देखता है और एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने भाई की शादी करवा देता है। दोस्तों, जिस लड़की से भोला की शादी होती है, उस लड़की का नाम होता है गौरी। दोस्तों, अब गौरी के आ जाने से उस घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, क्योंकि बहुत सालों तक उस घर में कोई औरत नहीं थी। गौरी के आने के बाद वो पूरा घर संभाल लेती है। अब दोनों भाई को टाइम पर खाना देना, सभी का कपड़ा लत्ता धोना, पूरे घर को साफ सुथरा रखना, यानी कि वो घर पूरी तरह से एक घर बन चुका था। दोस्तों, जो भोला का भैया था ओम प्रकाश, वो अपनी बहू यानी कि गौरी को बहुत मान सम्मान देने लगा था और वो जो चीज कहती वो हर चीज माना करता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जो भोला था वो अच्छे से काम कर रहा था। अब वो काम के सिलसिलों में दो तीन दिनों तक घर भी नहीं आता था, क्योंकि दोस्तों, जो भोला था वो तो ट्रक ड्राइवर था और ट्रक ड्राइवरों की तो जिंदगी ऐसे ही होती है। वो दूर दूर जाता था ट्रांसपोर्ट का माल लेकर, तभी वो एक हफ्ते दो तीन दिनों तक घर से बाहर ही रहता। अब एक दिन ऐसे ही वो सुबह सुबह घर से निकलता है और गौरी को कह के जाता है कि मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ सामान पहुँचाने के लिए, मुझे आने में एक हफ्ते का वक्त लग जाएगा। दोस्तों, जो गौरी थी वो कहती है कि ठीक है, जाइए, पर अच्छे से जाइएगा, ड्राइविंग अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों, उन दोनों में इतना ही बात होता है और फिर जो गौरी का पति था भोला, वो घर से निकल जाता है। अब वो ट्रक लेके चला जाता है। लेकिन दोस्तों, दो दिन के बाद ही भोला के घर में खबर आता है कि भोला का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट में मौत हो गया है, उसकी स्पॉट डेथ हो गई है। दोस्तों, जब यह बात भोला के भैया और उसकी बीवी सुनती है, तो उन लोगों की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। भोला की बीवी फूट फूट कर रोने लगती है, उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होता है। पूरे गाँव के लोग उसके घर में आके जमा हो जाते हैं, भोला की बीवी को समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन वो औरत मानने को तैयार ही नहीं थी। भोला की शादी को लगभग 6 महीने ही गुजरे थे और इन 6 महीनों में ही गौरी भरी जवानी में विधवा हो चुकी थी। अब गौरी के मायके वाले से पूरे परिवार आते हैं, गौरी को संभालते हैं, लेकिन उसका तो रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। अब दो दिन के बाद फिर जब भोला का डेड बॉडी था, उसके घर पहुंचाया जाता है। अब उसके भैया उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद अब धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल हो रही थी। जो गौरी थी वो अपने मायके नहीं जाती है, बल्कि ससुराल में ही रहने लगती है। अब गौरी को ऐसा लगता है कि मेरे पति के जाने के बाद मेरे जेठ जी का कोई नहीं है, अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी अभी ऐसे वक्त में, तो उन पर क्या गुजरेगी, क्योंकि वो भी अकेले हैं। इस वजह से गौरी अपने ससुराल में ही रुक जाती है। अब वो वहीं रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरने लगता है और गौरी भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं गौरी को अपने पति की याद बहुत सता रही थी। अब वो सुख उसे नहीं मिल पा रहा था जो उसका पति उसे दे रहा था। दोस्तों, यूं मानो कि उसको शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से गौरी काफी बेचैन हो रही थी। अब गांव के लड़कों के साथ वो इधर उधर नैन मटक्का भी करती थी। दोस्तों, अब इसी तरह से एक दिन दोपहर का वक्त होता है, जो गौरी का जेठ था वो दोपहर के वक्त अपने ही घर में लेटा हुआ था। अब गौरी की नजर चल जाती है जेठ की तरफ, वहीं पर गौरी की नीयत खराब हो जाती है जेठ के प्रति। अब उस दिन से गौरी अपने जेठ की ही तरफ नैन मटक्का करती, अपने जेठ के इर्द गिर्द घूमती, अश्लील हरकतें करती, और इसी तरह से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है और जेठ और बहू एक दूसरे से अवैध संबंध बना लेते हैं।
दोस्तों जब एक बार उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाता है तो फिर यह अवैध संबंध रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब काफी महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और उसके घर में कोई लोग आया भी नहीं करता था बाहर से कि किसी को पता चले कि इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता कैसा है। गांव के किसी लोगों को यह बात पता नहीं थी। अब दोनों बहू और जेठ एक ही घर में मियाँ बीबी की तरह रहते थे और किसी को कानो कान कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों कुछ महीने बीतने के बाद, लगभग 2-3 महीने बीतने के बाद, जो गौरी थी उसका अपने जेठ पर से भी मन भर जाता है। अब वो जेठ से दूर दूर रहने लगी थी और अपने जेठ को अपने करीब आने नहीं देती थी। अब गौरी का जो रिश्ता है, यानी गौरी अब किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में जुड़ रही थी। गौरी के ही रिश्तेदार में एक लड़का था जिसका नाम था सतवीर। अब गौरी सतवीर के साथ प्यार करने लगी थी और उसके साथ वो इधर उधर घूमने भी जाया करती थी। अब एक दिन जो उसका जेठ है यानी कि ओम प्रकाश को पता चलता है कि गौरी का उसके ही रिलेटिव के साथ अवैध संबंध है, तो वो बहुत गुस्सा करता है और घर आकर गौरी को काफी समझाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम दोनों के बीच जो भी है वो हमारे घर तक है, लेकिन तुम बाहर के लोगों के साथ ऐसा मुंह मारोगी और बाहर में जब पता चलेगा लोगों को तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हमारी भी कुछ इज्जत है इस गाँव में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यह सब काम छोड़ दो और जो तुम मेरे साथ करती थी वो मेरे साथ ही करो। इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो गौरी थी अपने जेठ की बात को नहीं सुनती है। जेठ की बात को इग्नोर करके वो सतवीर के साथ इधर उधर घूमने जाती, होटलों में जाती, बहुत नैन मटक्का किया करती थी। दोस्तों अब जो ओम प्रकाश था उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं गौरी अपने प्रेमी के साथ भाग ना जाए। इस वजह से वह अब गौरी पर हमेशा नजर रखना शुरू कर देता है। गौरी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, वह हर एक चीज पर नजर रखना शुरू कर देता है। अब इस वजह से जो गौरी थी काफी परेशान हो गई थी। अब वो नहीं मिल पा रही थी अपने प्रेमी से इस वजह से। अब गौरी अपने मन ही मन एक दिन प्लान बनाना शुरू कर देती है और अपने प्रेमी से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, एक दूसरे के साथ यूं ही बंधे रहे, तो हमारा जो जेठ है उसे रास्ते से हटाना ही होगा, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों जो गौरी का प्रेमी था सतवीर, वो भी कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उसे रास्ते से हटा ही देते हैं। दोस्तों इसी तरह एक दिन सुबह सुबह जो गौरी का जेठ था वो एक लोटा में पानी लेता है और सोच के लिए चला जाता है खेतों में। जैसे वो घर से निकलता है गौरी अपने जेठ का पीछा करना शुरू कर देती है और घर से निकलते ही वो अपने प्रेमी को भी कॉल कर देती है कि खेतों की तरफ आ जाओ। दोस्तों अब जो गौरी का प्रेमी था वो भी खेतों की तरफ आ रहा था उधर से, और इधर से गौरी भी जा रही थी अपने जेठ का पीछा करते करते। अब जैसे ही दोनों खेतों में पहुंचते हैं वैसे ही गौरी और गौरी के प्रेमी अपने जेठ के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक रस्सी होता है, रस्सी से अपने जेठ का गौरी गला दबा देती है और इसमें गौरी का प्रेमी भी साथ देता है। दोस्तों वहां पे तो जेठ को मार देती है गौरी, उसके बाद भागता हुआ अपने घर आ जाती है। उसके आधे एक घंटे के बाद घर में शोर मचाना शुरू करती है कि हमारे जेठ जी कहाँ चले गए हैं, आ नहीं रही अभी तक। दोस्तों अब गांव के लोग जैसे ही गौरी के साथ खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि गौरी का जेठ तो वहां पे मरा पड़ा हुआ है। अब गांव के लोग देखकर यह पता चल जाता है कि इसको तो किसी ने मार डाला है, क्योंकि उसके गले में निशान था और बगल में रस्सी भी थी। अब उसी में से एक आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। पहले तो डेड बॉडी को ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद गौरी के घर आ जाते हैं, गौरी से पूछताछ करते हैं। दोस्तों गौरी से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन पुलिस वाले जब गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उसी में से एक आदमी कह देता है कि साहब गौरी का किसी आदमी के साथ प्रेम प्रसंग था और यहाँ की उसके जेठ के साथ भी इसका प्रेम प्रसंग था, हो सकता है कि गौरी ने ही अपने जेठ के साथ कुछ किया हो। दोस्तों थोड़ा सा क्लू पुलिस वालों को जब मिल जाता है तो पुलिस वाले पहले गौरी को थाने में बुलाते हैं। थाने में बुलाने के बाद गौरी से पूछताछ करते हैं। दोस्तों जब गौरी से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो गौरी एकदम निडर थी, वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। जब महिला कांस्टेबल 2-3 थप्पड़ लगाती है तो गौरी सारा सच उगल देती है और कहती है कि उसके और उसके प्रेमी के बीच में जो जेठ जी था वो बाधा बन रहे थे। पहले जो उसका जेठ था उसके साथ संबंध बनाया करता था, जब मैंने बनाने से इनकार कर दिया तो वो फिर मुझे धमकी देने लगे कि बाहर के लोगों के साथ इस तरह की हरकतें मत करो, ऐसा वैसा, और वो मुझ पर नजर रखने लगे। बस इसीलिए मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनको ही मरवा डाला। दोस्तों जब पुलिस वाले पूरा बयान सुनते हैं गौरी का, उसके बाद उसके प्रेमी को भी पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और उसको भी अरेस्ट करने के बाद दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं।
तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। रमेश बोरा असम से, मनसा राम हरदोई से, फरीद अहमद सऊदी अरब से, अबू जार तमिलनाडु से, राशिद रजा बरेली से, किरण मूले पूरे महाराष्ट्र से, सरताज अली संभल से, श्याम प्रकाश कुशवाहा पत्नी सुमन कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से, लोकेश कुमार चकथल से, ईश्वर कार्की नेपाल से, तहसीन तंजीम सबा जेबा और तमीज आलम अररिया से, पंकज कुमार आगरा उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, अब्दुल मन्नान अंसारी बिजनौर उत्तर प्रदेश से, विकास राठौर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, एस के मुरसलीन वेस्ट बंगाल से, लोकेश कुमार अलीगढ़ से, मोहम्मद जमालुद्दीन झारखंड से, मास्टर शरीफ नगीना वजीराबाद दिल्ली से, अबू सैफ अंसारी उत्तर प्रदेश से, आयुब अंसारी उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद जमाल जौनपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।